वेलकम वेलकम बच्चों की दुनिया में वेलकम मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। उसामा शेराजी, आयशा शेराजी, उमर शेराजी और क्या खबर है हाजिर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बनाएंगे एक जबरदस्त कुल्फी बहुत ही मुनफरिद स्टाइल में और बहुत ही आसान रेसिपी है। तो दूध से हम लोग बनाएंगे, बहुत ही जबरदस्त बनती है, बहुत ही आसान के साथ बनती है। तो जैसा कि आपको पता है कि समर सीजन आ चुका है, यानी कि गर्मियाँ आ चुकी हैं, तो गर्मियों में दिल करता है कि ठंडी ठंडी कुल्फी खाई जाए। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त कुल्फी है, बहुत ही आसान रेसिपी है। तो गर्मियों में दिल करता है कि ठंडी ठंडी कुल्फी खाई जाए, तो ये उसके लिए ज़बरदस्त रेसिपी है। आसान और मज़ेदार सी रेसिपीज देखने के लिए बच्चों की दुनिया के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो आइसक्रीम मोल्ड्स मैंने लिए, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, और 2 कप मैंने ये दूध लिए, फ्रेश दूध मैंने लिए, और दूसरे साइड में मैंने 1/2 और 4 कप दूध लिए। तो ये 2 जगह हम लोग दूध लेंगे और अलग अलग प्रोसेस में ऐड करेंगे। तो 2 चम्मच हम लोग लेंगे सूखा दूध, जो 2 चम्मच हम लोग लेंगे चीनी, और 2 चम्मच हम लोग लेंगे कॉर्नफ्लोर। सो व्यूअर्स, हम लोग ले लेंगे कोई सा भी पैन जो नॉर्मली आपके घर में मौजूद होगा, और उसके अंदर हम लोग ऐड करेंगे 2 कप दूध। नीचे से फ्लेम हम लोग मीडियम रखेंगे। सो व्यूअर्स, अब हम इसके अंदर पहला बॉयल आने देंगे। तो जैसे ही पहला बॉयल आ जाएगा तो फिर हम लोग इसके अंदर कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। तो चलिए तब मिलते हैं जब हमारे दूध में बॉयल आ जाएगा। सो व्यूअर्स, हम लोग ले लेंगे कोई सा भी पैन जो नॉर्मली आपके घर में मौजूद होगा, और उसके अंदर हम लोग ऐड करेंगे 2 कप दूध। नीचे से फ्लेम हम लोग मीडियम रखेंगे। सो व्यूअर्स, अब हम इसके अंदर पहला बॉयल आने देंगे। तो जैसे ही पहला बॉयल आ जाएगा तो फिर हम लोग इसके अंदर कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। तो चलिए तब मिलते हैं जब हमारे दूध में बॉयल आ जाएगा। सो व्यूअर्स, अल्हम्दुलिल्लाह बॉयल आ चुके हैं हमारे दूध में। तो हम लोग हल्का सा मिक्स कर लेंगे। सो व्यूअर्स, हल्का सा मिक्स करने के बाद अब हम लोग इसके अंदर ऐड करेंगे मिल्क पाउडर, यानी कि सूखा दूध। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऐड करने के बाद हम लोग अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, अच्छे तरीके से चम्मच हिला लेंगे हम लोग। तो जैसे ही आपको पता लगे कि मिल्क पाउडर यानी कि सूखा दूध हमारा अच्छे तरीके से डिसॉल्व हो चुका होगा, तो फिर आप अंदर ऐड कर दें चीनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चीनी भी हम लोगों ने ऐड कर दी है। अब हम लोग इसे भी अच्छे तरीके से डिसॉल्व करेंगे, और इस तरीके से आप लोगों ने स्टिर करते जाना है, यानी कि चम्मच हिलाते जाना है, अंटिल यहाँ तक कि शुगर यानी कि चीनी अच्छे तरीके से डिसॉल्व ना हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सो व्यूअर्स, ये है हमारा दूध 1/4 कप यानी कि 1/4 कप। तो हम इसके अंदर ऐड करेंगे कॉर्नफ्लोर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सो व्यूअर्स, अब हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, और आप लोगों ने जल्दी से मिक्स करना है एहतियात से, ताकि इसकी गुठलियाँ ना बने। तो इस तरीके से हम लोग मिक्स करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सो व्यूअर्स, अब हम इसके अंदर मिक्सचर ऐड कर देंगे। तो ये मिक्सचर हम लोग ऐड कर देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और मिक्सचर ऐड करते वक्त मिक्स करते जाएंगे अच्छे तरीके से। अब हम लोग इस तरीके से अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। तो नीचे से फ्लेम मीडियम है, तो चम्मच हिलाते जाएंगे हम लोग, और चम्मच हिलाना आप लोगों ने नहीं छोड़ना। सो व्यूअर्स, अब हम इसे नीचे उतार लेंगे चूल्हे से, और अब हम इसे ठंडा होने देंगे। तो जब ये ठंडा हो जाएगा तो फिर हम इसे कन्वर्ट कर लेंगे अपने मोल्ड्स में। तो चलिए मिलते हैं जब हमारा ये मिक्सचर अच्छे तरीके से ठंडा हो जाएगा। सो व्यूअर्स, ठंडा होने के बाद हम इसे ट्रांसफ़र कर लेंगे अपने मोल्ड्स में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम,
तो किस तरीके से हम लोग कहेंगे, तो पूरा नहीं भरेंगे हम लोग, बस थोड़ा थोड़ा सा भरेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ज़रा सी कैपेसिटी हम लोग इसलिए छोड़ेंगे क्योंकि जब ऊपर से हम लोग ढकना से रखेंगे अपना, तो उसके लिए जगह बच जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कुछ तरीके से हम लोगों ने सारे फिल कर लिए हैं, तो अब हम लोग इसके ऊपर रखेंगे इसके ढकने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब कुछ तरीके से हम लोग ढकने रख लेंगे ऊपर। तो इस तरीके से हम लोग सारों के ऊपर रख लेंगे। तो ये आपको किसी भी मार्केट से, किसी भी शॉप से आसानी से मिल सकते हैं, और यूटेंसिल शॉप से भी आप ले सकते हैं। तो अब ये एकदम रेडी है, तो हम लोग इसे फ्रीज होने के लिए रख लेंगे 2 से 3 घंटे के लिए। आप चाहे तो एक दिन के लिए भी रख सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। तो चलिए तब मिलते हैं जब हमारी ये कुल्फियाँ एकदम जम जाएंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से निकाल लेंगे। तो कुछ इस तरीके से हम लोग निकालेंगे। तो ये हम लोगों ने निकाल लिया इस तरीके से। तो अभी एकदम रेडी है। आपको रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो इसी के साथ बच्चों की दुनिया को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बराबर में जो आइकॉन है उससे आने वाली मेरे हर रेसिपी, हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। अल्लाह हाफिज़।